Hey, welcome guys in another vlog of my channel 365 Vlogs. You are here and obviously warm welcome in my channel 365 Vlogs भाई. और अभी के कुछ आज के दिन हो रहा है सैटरडे और डेट की बात करने जाए तो 1st दिसंबर 2018 हो रहा है या और बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ 2.0 देखने. तो चलिए जल्दी जल्दी जाता हूँ 2.0 देखने और ऑब्वियसली आपको बताता हूँ कि कैसा है मूवी एक्चुअली में. और कल का ब्लॉग आ गया, होपफुली देख लेना सब. और चलिए मिलते हैं आज के दिन में. गाइस बेसिकली मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ 2.0 और ये डिसाइड हुआ कि 2.0 फाइनल देखनी है और वही मैं उसके वीएफएक्स देखने जा रहा हूँ, स्टोरी देखने जा रहा हूँ, देखते क्या होता है ये मूवी का. गाइस ये वही बंदा जो कल के व्लॉग में बाबा बना था और इसको मैंने उठाया इस बार. ये उठा नहीं था, ये 12 बजे तक उठता नहीं है, 12 बजे तो पिक्चर भी खत्म हो जाती. ये अभी उठा है वो क्रिकेटर अपना, इसका नाम है दिव्य पटेल. नाम तो पहली बार रिवील किया, बस फेस रिवील तो हो गया इसका. आ गई है, अब चलते हैं मूवी देखने. देखो हाउसफुल है सब कुछ, देखो बहुत सारे जन भी है यहाँ पे, हाउसफुल है टिकट और वही पीवीआर स्टॉकिंग. गाइस ये तो अभी हम देख रहे हैं केदारनाथ पे, काफी एक्सपेक्टेशंस है, देखते क्या होता है. बस वीवो की प्रमोशन करो यहाँ पे, इस पे भी, इस पे भी अक्वामैन 2.0 ये अपनी. Just amazing. Direction of S. Shankar was awesome and the VFX was outstanding. पिक्चर की स्टोरी की बात करने चाहे तो स्टोरी भी काफी हद तक बहुत अच्छी है और मैसेज पासिंग बहुत अच्छी है. रजनीकांत एक्टिंग वो तो ऑब्वियसली बेस्ट होती है, आपने रोबोट में भी देखा होगा और 2.0 में भी वैसी है. और अक्षय कुमार की एक्टिंग मेरे को सबसे अच्छी लगी है, अक्षय कुमार की एक्टिंग एज अ विलन परफेक्ट. और एमी जैक्सन की एक्टिंग एज वेल एज वो सॉन्ग्स वगैरह अच्छी है. और आप हॉलीवुड से कंपेयर या बॉलीवुड के नजरिए से देखने जाए तो ऑब्वियसली कर सकते हो हॉलीवुड से कंपेयर, काफी अच्छी बनाई है एस शंकर ने. और या राइटिंग वगैरह परफेक्ट किया है और स्टोरी काफी अच्छी है और मैसेज सरपासिंग जो है वो भी काफी अच्छा है. बेसिकली मूवी से हम लौटे कुछ 12 o'clock आके मैंने अपना लंच लिया. लंच लेके थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बस एक दिन में हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है तो वहां पे तो बहुत बिजी, पहले कॉलेज, कॉलेज के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद घर पे, मतलब व्लॉग बहुत हार्ड बन जाएगी ऑब्वियसली आपके लिए शूट करना. बट मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपके लिए डेली व्लॉग्स लेके आया करूं. हाँ अब से मेरे को ऐसा लगता है कि 2 दिन में एक व्लॉग रखना पड़ेगा या फिर मैं पूरी ट्राई करूंगा कि 1 दिन में अगर कंटेंट अच्छा मिला तो 1 दिन में ही आपको ऑब्वियसली मैं एक व्लॉग दे दूंगा. बस अभी मैं बेसिकली रात हो गई है और अभी के कुछ बजे 9 o'clock डिनर लिया और वही मैंने बोला दोपहर को मैं सो गया, शाम को थोड़ा लेट उठा और बस वहां आज सैटरडे रेस्ट किया, ट्यूशन नहीं था. और संडे का दिन मैं ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड करने वाला हूँ आपके लिए. और अभी तो यही सिचुएशन है,
अभी कुछ बजे हैं 9:30 और बस आगे मिलता हूँ आपको आज के दिन में। गाइज ये हमारे न्यू क्लोथ्स और ये बेसिकली आज पापा लाया है बॉम्बे से स्पेशली, क्योंकि मेरे को यहाँ के इतने क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, काफी हद तक अच्छे लगते हैं, बट कॉस्ट ज्यादा होता है। वहाँ के आपके क्लोथ्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी और कॉस्ट भी रिजनेबल होगा। और बेसिकली मैंने दिवाली पे इतना कुछ खर्च नहीं किया था क्लोथ्स पे स्पेशली, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ मंगा लेते हैं। और यहाँ पे एक पैंट, वही हमारे पास जो है वही है नॉर्मल सा पैंट जो मैं रेगुलरली पहनता हूँ। मेरे को ये सब ऐसे ही जो डिसेंट होते हैं वही पैंट्स मेरे को अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये टी शर्ट है, ये दिखा देता हूँ आपको टी शर्ट, ये अपनी विंटर वैसे ही है इसलिए मैंने शॉर्ट टी शर्ट्स नहीं मंगाई, लॉन्ग्स मंगाई है। और ये कुछ ऐसी कलर की है, आप देख सकते हो क्लियरली, इतना दिख नहीं रहा होगा बट या यही है। और काफी हद तक मेरे को ये अच्छी लगी है। और दूसरे ये एक टी शर्ट है, ये भी आप देख सकते हो, ये मेरे को सबसे अच्छी लगी है, ये परफेक्ट बनी है। और इसका कलर वगैरह सब डिसेंट वगैरह, मेरे को डिसेंट टी शर्ट ज़्यादा पसंद है। और बस यही ऐसी टी शर्ट अच्छी लगती है। और ये दूसरा पैंट है, इसका कलर उससे थोड़ा डिफरेंट है बट ब्लू ही कलर का है। और ये भी, ये दोनों सेम ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ नए क्लोथ्स। गाइज लास्ट में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करने जाए तो जिसने भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किए तो ऑब्वियसली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कीजिए रूशब सिनोरा, और जल्दी जाके फॉलो कीजिए। और जो मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेरे को फॉलो करते हैं, तो आज या कल मैं स्टोरी रखने वाला हूँ जिसमें आपसे मैं सजेशंस मांगूंगा कि कैसे मैं मेरे ये चैनल 365 व्लॉग्स को सुधार सकता हूँ और क्या आपकी राय है ये चैनल से रिलेटेड। ऑब्वियसली आप सजेशंस लिखिए, मैं आपको रिप्लाई में उसका आंसर्स देने वाला हूँ। और जिसने हैंडल नहीं फॉलो किया है इंस्टाग्राम हैंडल तो ऑब्वियसली जाके फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। और आज का दिन बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग गुजरा है, मैंने मूवी देखी 2.0, मेरे को भी काफी अच्छी लगी, आपको देखनी है तो ऑब्वियसली आप जल्दी जाके देखिए और देखने लायक है और काफी एक्साइटिंग है। और कल के दिन में कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे आपके लिए, ऑब्वियसली संडे का दिन है। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, टिल देन रुषभ सिनोरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि रोज मेरे व्लॉग्स आए तो उसकी नोटिफिकेशन ऑब्वियसली आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर मारो, क्योंकि वो सब देखेंगे तो ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए न्यू कंटेंट तो रेगुलरली आता ही है। और टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग, टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।